रेड की ब्लैक, ब्लैक की रेड, निकलर नहीं पूछ रहा, सॉइल सॉइल। हम वापस एक आना में आ गए तो रेड सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी, उसके अकॉर्डिंग पिच पर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। तो हमें पता है या नहीं, अभी तक तो नहीं पता, तो फिर टीम कैसे बनाएंगे? सब मस्त गेसिंग गेम खेलेंगे, देखो अभी हम। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल, आई हैव अ विजन टू प्ले माय गेम। अब बारी आपकी है, डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में आज, क्योंकि सबकी पेमेंट पहुंच गई है, आज हमारे स्काउट्स आ गए। कल अगर आपको पता ना हो तो हम दो ही स्काउट्स थे, 5 से 4, 3, 2, और अब वापस से आज जो है तादाद बढ़ गई है क्योंकि पेमेंट पहुंच गई है। प्लीज वेलकम साकार चोपड़ा, आशीष मीना और जब तक देखो बीच में मजा नहीं आया। आगे 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 आशीष भाई, आपके पास आगे जी, मेरे पास कल ही आया था इसलिए आ जाए। आशीष भाई सोच रहे की पेमेंट मिल रही है यार, एडवांस में लोग एडवांस में ले रहे हैं, हम तो रियल टाइम में हैं। वेल डन आशीष। तो आज के मैच पे चलते हैं, लखनऊ वर्सेस गुजरात, और मैच है फिर से कान्हा स्टेडियम, जहां हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं पिच की, कि एक मैच में आपको पिच जो है कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई देता है, दूसरे मैच में फिर जो है बिल्कुल उसका ऑपोजिट। तो इस मैच में कौन सा होगा? पहले मैच में रेड सॉइल विकेट था, दूसरे में ब्लैक सॉइल, फिर तीसरे में रेड सॉइल विकेट था, जहाँ पे आपको पैचेस में घास दिख रही थी, और इसीलिए जिसने भी घास देखी थी, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वुड को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया था। अगर चल आपके साथ चलते, इस मैच में आपको क्या लग रहा है, कौन सा विकेट हो सकता है और कंडीशंस कैसी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि टर्फ पिच पे मैच खेला जाएगा और वो स्क्वायर पे ही होगी, तो उसके अनुसार मैं टीम बनाऊंगा, जिसके अंदर सेफ पिक से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस मैच में मुझे सेफ कोई दिख नहीं रहा। जब मैं पिच देख रहा हूँ, चाहे वो लाल हो, काली हो, पीली हो, कैसी भी हो, बल्लेबाज रन बनाए तो भी सेफ नहीं लगते हैं पर्सनली मुझे, क्योंकि आई मीन यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। सो आई एम गोइंग विद हार्दिक पंड्या एज माय सेफ पिक फॉर अ सिंपल रीजन, कि अब बोलिंग कर रहा है और शुरू से हम ये एक फिलोसफी के साथ चलें, क्योंकि जिस दिन हार्दिक 4 ओवर डालना शुरू करेगा, हार्दिक बिकम्स योर डिफॉल्ट कैप्टनसी चॉइस। और बैटिंग में भी अभी तक बड़ी नॉक नहीं आई है, पर आई मीन ही इज टू गुड अ प्लेयर टू कीप मिसिंग आउट, कभी तो बनाएगा ये बात है। और अगर एक विकेट 25 रन भी बना देगा तो आई स्टिल कंसिडर दैट एज अ वेरी सेफ पिक, कंसिडरिंग कि इस मैदान का किसी को कुछ आइडिया नहीं है, इंक्लूडिंग लखनऊ सुपर जायंट्स। दूसरा खिलाड़ी है मार्क वुड, एक बार फिर उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि गुजरात टाइटन्स की बैटिंग भी ओके ओके है यार। अगर मार्क वुड खेलता है तो 2 विकेट पहली इनिंग, दूसरी इनिंग उसने 2 विकेट लेनी ही है, तो उनमें और राशिद खान में आई एम जस्ट लेफ्ट राइट जा रहा हूँ, बट मार्क वुड Between the two of them, I like to go with Mark Wood, क्योंकि पता है आपको Mark Wood मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। जतिन भाई, आपको कौन से प्लेयर हैं जो अच्छे लगते हैं, जिसके साथ आप जाना चाहेंगे सेफ? और आपका सेफ मतलब बिल्कुल सेफ नहीं होता है, बट स्टिल जनता के लिए कुछ सेफ देना चाहे। यार ऐसी हवा बना रखी है तुमने कि मेरा सेफ सेफ नहीं होता है। अभी रुको, अभी आप देखोगे, बताइए। नहीं यार, मैं मतलब लखनऊ की पिच गिव अप कर चुका हूँ, एंड जो मेरे को लगता है, मतलब हम उस मैच में बड़ी बात कर रहे थे ना कि यार ये लगता है लखनऊ ने पिच बनाई होगी, क्योंकि सामने हैदराबाद आई है तो उनके इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं तो इन्होंने बनवाई होगी। बनवाई नहीं है भाई, बन रही है, किसी को नहीं पता वहां पे बन रही है। तो अब उसके अनुसार हम ये करना चाहते हैं कि जो प्लेयर्स थोड़ा वैल्यू लगाएंगे ना, जो लंबा खेलने की कोशिश करेंगे, बस वही हमारी सेफ पिक है, जिनको सामने शायद थोड़ी स्टार्ट में पेस मिल जाएगी, और जो स्पिन करेंगे वही सेफ पिक है। तो मैं तो मिडिल ऑर्डर हार्दिक कर, पता चला वैसी विकेट हुई जहाँ एक पंडे ने 4 ओवर डाले, वो हार्दिक नहीं क्रोनाल है। सो आई एम नॉट गोइंग, सो माय सेफ पिक्स इज 2 ओपनर, एक तरफ केएल राहुल लंबा खेलने को देख रहे, और दूसरी तरफ से शुभमन गिल इंटेंट के साथ खेल रहे, आई एम यूजिंग वेरी T20 सेंट्रिक वर्ड्स दीस डेज, एंड दूसरे सेफ पिक एक तरफ राशिद खान है और एक तरफ रवि बिश्नोई है। तो 2 लेग स्पिनर्स, 4-4 ओवर की स्पेल पक्की, कम से कम 1 या 2 विकेट, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज भी पड़ी हैं तो यहाँ विकेट के भी चांसेस हैं। तो यहाँ मैं दोनों एकदम ओपनर्स के साथ जा रहा हूँ, जिनको थोड़ी सी पेस मिलेगी, और दोनों लेग स्पिनर्स के साथ जा रहा हूँ, उसके बीच में भगवान मालिक। बट दो-दो कप्तान, दो-दो वाइस कप्तान, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन एक एक, मतलब मैं आई विल गो विद अ बॉलर इन दोनों लेग स्पिनर्स में से एक कैप्टनसी चॉइस, और एक जो बैटर है उसमें एक वाइस कैप्टनसी चॉइस। देखो हम यहाँ पे 4 लोग हैं, हमें 5-5 प्लेयर पकड़ने, 5-5 ऑप्शन दे देंगे, सब सब हो जाएगा, फिर हम चला देंगे। तुम हो गए यार, मैं आप लोगों के लिए नहीं करता शो, व्यूअर्स हमारी जनता, व्यूअर्स द नेशन वांट्स,
जो जनता हमारी देख रही है, जो सेफ ऑप्शंस हैं, हम मोस्टली सबके कॉमन ही होंगे, वही तीन चार ऑप्शंस में से रखने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा आपके पास इस मैच में सेफ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। केएल राहुल की बात करें तो सामने होंगे राशिद खान, जो ऑलरेडी थोड़ा उन्हें परेशान कर चुके हैं। उससे पहले मोहम्मद शमी भी आएंगे, जो ऑलरेडी चार इनिंग में तीन बार आउट कर चुके हैं, और राशिद खान अगेन एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस रह सकते हैं, स्पेशली ऑन अ ब्लैक सॉइल विकेट। मेरे कैप्टनसी चॉइस में जरूर रहेंगे कैप्टन या वाइस कैप्टन, क्योंकि उनके मैचअप्स अगेंस्ट इस बैटिंग अटैक काफी अच्छे हैं, चाहे वो केएल राहुल के अगेंस्ट हो, तीन बार कुणाल पांडे के अगेंस्ट तीन डिसमिसल, इसके अलावा मार्क कस्टानिस के अगेंस्ट चार है, निकोलस पूरन के अगेंस्ट दो है, तो मैचेस बहुत अच्छे हैं, और ब्लैक सॉइल विकेट हुआ तो बाउंस भी काफी कम होगा, तो इजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक या दो विकेट वो आपको इजी दे देंगे, और वो विकेट आएंगे तो फिर एलबीडब्ल्यू बोल्ड में आएंगे, तो वन ऑफ द कैप्टन चॉइस में जरूर रहेंगे। दूसरे हार्दिक पांड्या, ऑफकोर्स ऑलराउंड वैल्यू, नंबर्स उनके भी विद द बैट कुछ खास अच्छे नहीं है इस बोलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, चाहे वो अमित मिश्रा हो या फिर आवेश खान, दोनों के अगेंस्ट दो डिसमिसल्स हैं, लेकिन बोलिंग वैल्यू है और कुछ रन तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं। आशीष भाई, आप इतना कंफ्यूज थे ब्लैक और रेड के अंदर कि आपने रेड तो कैप पहन लिए और नीचे ब्लैक है, तो आपको क्या लगता है कौन से कलर की होगी ये सॉइल? कलर तो यार मतलब तो जस्ट अपने को मैच से पहले पता चलता है सारी चीजें, जो लास्ट मिनट चीजें, लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं। वाह आशीष भाई वाह, तो देखते हैं कौन सी पिच होती है। कैप्टनसी के लिए मैं हार्दिक के साथ जाऊंगा, जैसे आकाश ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था उनके बारे में, और वाइस कैप्टनसी में राशिद खान या तो गिल में से किसी एक के साथ। राशिद खान बॉलिंग फर्स्ट में जा सकते हैं, पर वही बात है, खान साहब सेकंड इनिंग्स में और डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे बैटर्स और अटैक करने को देखते हैं। ये आप काफी बात कर चुके हैं, राशिद खान की फैंटेसी वैल्यू जो है कितनी बढ़ जाती है जब वो सेकंड इनिंग में बोलिंग करते हैं, क्योंकि बैटर्स को फिर अटैक करने जाना होता है, लेकिन इस विकेट पे आप बोलिंग फर्स्ट में भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कुछ बैट से एक दो टिका भी दे लंबे, तो कुछ आपको वहां पे बोनस पॉइंट भी मिल जाए, लेकिन बैट से रन एक्सपेक्ट नहीं करने, जो करने सिर्फ विकेट से एक्सपेक्ट करो, अदरवाइज जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही दुख देती है। अगर सर आपके पास चलते हैं एक हाई रिस्क ऑप्शन जिसके साथ आप एज ए डिफरेंशियल कैप्टन जाना चाहें, या फिर एक डिफरेंशियल प्लेयर जो स्मॉल लीग्स में रखना चाहें जो कि ज्यादा लोग शायद ना पिक करें। ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन, कि आप किसकी तरफ जा सकते हैं। आई मीन अगर चेज कर रहे हो तो आई मीन डेविड मिलर इज अ डिफॉल्ट चॉइस, एक्चुअली वो भी डिफरेंशियल नहीं है चेज में, डेविड मिलर इज अ बीस्ट। दीपक हुडा को मैं नहीं खिलाने वाला हूँ, तो वो मैं थोड़ा मेरा दिल टूटा हुआ उनके साथ, क्योंकि एक एक्चुअली जीटी के साथ ये भी प्रॉब्लम, बैटिंग करने कौन कहाँ आएगा नो बड़ी नोज, हो सकता है कि अगले मैच में आपको दीपक हुडा दिखे ही ना, थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप होगी तो दीपक हुडा ड्रॉप, मतलब वो नीचे बैटिंग करा देते हैं, तो आई मीन डिफरेंशियल आवेश खान वाइल बोलिंग सेकेंड, मुझे पीयूष शर्मा ने बताया कि बहुत विकेट लेते हैं, तो आवेश खान बोलिंग सेकेंड इज अ वेरी गुड चॉइस, पर पिछले मैच में तीन विकेट लिया तो सबकी टीम में होंगे, ये भी सही है। युधवीर सिंह चरक को रख लो पहले अगर बोलिंग कर रहा था, युधवीर सिंह चरक ये लो, ये एक दिया एकदम डिफरेंशियल लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना मैं कह रहा हूँ। ये आपने वैसे नाम देने के लिए दिया है या फिर सही में आप टीम में रखना चाहते हो? अब मैं तो नहीं रखूंगा, मतलब क्योंकि अपुन सेफ खेलता है, अपुन नहीं लेता है चांस, बोलिंग में बहुत ऑप्शन है यार, दोनों टीम्स देखो ना, एक तरह शामी आपको मिलेंगे, साथ में अल्जारी मिलेंगे, उसमें से एक पिक करना पड़ता है कई बार, जबकि आपका मन करता है दोनों पिक कर लो, उसके बाद सामने आपको मार्क फोर्ड मिलने वाले, रवि बिश्नोई मिलेंगे, राशिद खान भी तो नीचे बोलिंग में ही तो स्लॉटेड है, तो कितने बॉलर पिक कर लोगे, तो उसमें आई मीन दिस इज व्हाट इट इज, सो या दिस इज द स्टोरी, कोई डिफरेंशियल तुम ही बता दो, मेरे तो यही है। अभी आपने बोला ना ये अपुन नहीं लेगा, अपुन नहीं पिक करेगा, मुझे ऐसा लग रहा था शब्द आपके हैं बोल अनुराग द्विवेदी रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने डेविड वॉर्नर भी ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, बटलर तक तो थे ही, वॉर्नर भी ड्रॉप कर दिया कल उन्होंने। आपके लिए अब बताओ एकदम रिस्की चॉइस जो आप यूजली बताते हो कि एकदम हटके ये प्लेयर ले लिया चल गया तो बस जीत गए। जो ब्लैक सॉल वाली विकेट थी इस पे कृणाल पांड्या वाज प्लेयर ऑफ द मैच, तो स्टार्ट में बोलिंग अगर आगे, अगर वैसी विकेट है, अगर ब्लैक्सवेल की विकेट है और पहले बोलिंग कर रहे हैं तो कृणाल पांड्या कुड बी अ डिसेंट चॉइस, क्योंकि हंसने वाली अगर विकेट है तो फिर लखनऊ ने भी कसम खाई है कि स्टॉइनिस और पूरन को 10-10 बॉल से ऊपर नहीं देंगे, तो हो सकता है फिर कृणाल पांड्या आपको चार पे बैटिंग करते हुए दिखे और अपने चार ओवर पूरे डालते हुए दिखे, तो अगर वैसी वाली विकेट थी जैसी हैदराबाद के अगेंस्ट खेले थे सो ही माइट नॉट बी अ बैड चॉइस, क्योंकि फिर वो पावर प्ले के एंड से आके एंड काफी स्मार्ट यूज किया था, तीन विकेट लेके गए थे, एक ओवर में दो विकेट आई थी, ही कुड बी वन ऑप्शन। विजय शंकर को बिल्कुल बोलिंग करते हुए, बिकॉज आई एम प्रिज्यूमिंग क्योंकि स्टॉइनिस को सूट कर जाएगी विकेट, बिकॉज अब वो बोलिंग भी कर रहे हैं, पिछले मैच में बोलिंग करी तो यहाँ पे बोलिंग ऑप्शन भी, उनके कटर वगैरह काम आएंगी, बड़ी स्क्वायर विकेट्स हैं सो दैट कुड बी, लेकिन बैटिंग कितनी देते हैं दैट कम्स डाउन टू इट, और बैटिंग मुश्किल होगी, तो एक्चुअली देख रहा था यार विजय शंकर अगर वो बोलिंग करता है तो कर नहीं रहा,
आउट ऑफ द ब्लू दे रहा हूँ ऑप्शन, क्योंकि बैटिंग अच्छी लग रही है। अब इस मैच में एक्चुअली पता चल जाएगा कि ऐसी विकेट्स पे क्या गुजरात बिल्कुल बॉलिंग की तरफ उनकी देख रहा है या सिर्फ एज एन इम्पैक्ट बैटर ही लेके आएगा। सो आई विल गो विद कृणाल पंड्या। दोनों पंड्या सिर्फ इसीलिए नहीं है कि टीम में, कि दोनों के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए नहीं है, क्योंकि फैंटेसी वाली बहुत है इसलिए टीम में। ये मत बोला दोनों दोस्तों को पिक कर लिया। मैंने अभी हार्दिक बोला नहीं है, मैंने कृणाल बोला। हार्दिक बोला था पहले आपने, हार्दिक भी मैंने नहीं बोला, सेफ में रिवाइंड करके देख लो। कोई बात नहीं, एक पंड्या तो है इनकी टीम में। वैसे एक प्लेयर जो हमने बात नहीं की है अभी तक, साई सुदर्शन, जो कि एक अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं, बहुत सॉलिड लग रहे हैं विद द बैट, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, लास्ट मैच में भी अच्छे लगे रन आउट होने से पहले, और इस वेन्यू पे अभी तक नंबर्स अच्छे रहे। साई सुदर्शन क्या वोटिंग करते हैं, क्या आपकी टीम में होंगे? होगा, आई कीप हिम। क्या बात है, पूर्ण बहुमत के साथ साई सुदर्शन टीम में आ गए हमारी। तो अभी 10 प्लेयर की बात करते हैं। आशीष भाई आपके लिए हाई रिस्क ऑप्शन? हाई रिस्क के अंदर मैं आवेश खान को रखूंगा, जो आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए देखते हैं। मार्क वुड नहीं खेलते तो उनपे और एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है विकेट निकालने के लिए, तो सेकंड इनिंग्स में तो इम्पोर्टेंट है, मैं फर्स्ट में भी लेके जाऊंगा उनको। और दूसरे पिक में यहाँ पे देख रहा था दीपक हुड्डा, मतलब सब चर्चा कर रहे हैं कि आईपीएल खेल भी रहा है नहीं खेल रहा, क्योंकि जब तक प्लेयर रन नहीं बनाता उसका प्रेजेंस फील नहीं होता। अभी तक लगा नहीं दीपक हुड्डा आईपीएल खेल रहा है, जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। और सब कह रहे हैं कि भाई आईलैंड सीरीज आने दो तब रन बनाएगा, मैं कह रहा हूँ आने दो उसका टाइम, रन बनाएगा अभी भी। तो दीपक हुड्डा एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कैप्टनसी के लिए ग्रैंड लीग के अंदर, या किसी भी बैटर का लोएस्ट एवरेज इस आईपीएल में जिसने 20 डिलीवरीज खेली है वो दीपक हुड्डा ही है, और सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट डिसमिसल भी उन्हीं के हैं सीजन। तो जैसा आशीष भाई ने कहा कि पता नहीं चल रहा कि खेल रहे हैं नहीं, लेकिन जिन्होंने टीम में लिया हमसे पूछो एक बार, उन्हें सब पता है कितने पे आउट हुए थे वो इस मैच में। अगर कोई दूसरा स्पिनर नहीं होता है, कृष्णम्बा गौतम नहीं होते हैं, और ब्लैक सॉइल विकेट पे ही अगर मैच होता है तो अच्छे चांसेस हैं कि शायद कुछ एक दो ओवर्स करने के लिए आ जाएं, तो वो वैल्यू है उनके साथ। विद द बैट तो भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप चलते हैं प्लेयर टू वर्ल्ड पे, एक एक नाम जो आप नहीं रखना चाहते, और अगर सर प्लीज एक ही नाम देना, आप 22 नाम दे देते प्लीज एक। मैं तो हुडा ही रख रहा था, हुडा को तो अभी ग्रैंड लीग में पिक कर लिया हमने, तो हुडा इज द प्लेयर टू अवॉइड। उसके बाद मोहित शर्मा को नहीं रखूंगा, क्योंकि मोहित शर्मा को बेचारे को बॉलिंग नहीं करा रहे पूरी, ये मुझे लग रहा है कप्तानों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन है इसका किया क्या जाए। तो इसमें सब गच्चा खा रहे हैं, कभी कुलदीप अक्षर नहीं डालते अपने ओवर, एक्चुअली हमेशा ही नहीं डालते, वो तो पूरे करते ही नहीं है। वहां मोहित के 2 में 7 थे, पन्नू अहमद आखिरी में डाल रहे थे गीली बॉल से, सो वी रियली डोंट नो। तो मोहित शर्मा बेचारे रह जाएंगे, मेरी टीम में नहीं आ पाएंगे। अब किसी और की टीम में है या नहीं है आई डोंट नो, उनकी मेरे को लगता नहीं कि सिलेक्शन कुछ ज्यादा होगी टू मेरी ऑनेस्ट। के राहुल के अगेंस्ट वैसे मैचअप अच्छा है, 2 डिसमिसल है उनके उनके अगेंस्ट, और अच्छा सिर्फ एक मैच के वैसे बेसिस पे आप पिक नहीं कर पा। एक और ड्रॉप दे तो काइल मायर्स, आज भी पिक नहीं करो यार, मेरी पिक है वो यार, सॉरी यार, काइल मायर्स जतिन की पिक है यार। नहीं मतलब मेरी पिक है कि पिक नहीं करना है, लेट्स क्लेरिफाई, कट कॉपी, मेरी पिक है कि पिक नहीं करना है। तो आपके भी काइल मायर्स, और ये बता दीजिए क्यों? जस्ट लास्ट जतिन भाई, लास्ट गेम में ना आरपी सिंह आए थे, उन्होंने बोला कि मैं जयसवाल को पिक नहीं करूंगा और मैं देवदत्त के साथ जाऊंगा। मुझे लॉजिक जो है अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन मैं करूंगा ये। देखिए वो आरपी स्विंग है, वो सर्वगुण संपन्न है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई फ्रॉम रायबरेली कैन से एनीथिंग। यहाँ एग्जैक्टली उन्होंने यही बोली थी अगली लाइन कि पीयूष चावला मेरे छोटे भाई है इसलिए मेरी टीम में रहेंगे। राशिद को भी जल्दी लाने का है, और ये विकेट भी जो थोड़ा वो कॉशियस अप्रोच मेयर्स का था ना, यहाँ पे पहले 3-4 ओवर सीधा बैट नहीं, विकेट देख के आई थिंक यहाँ पे उतना परचेस, एक स्मार्ट बोलिंग आउटफिट के सामने एक ट्रिकी विकेट पे, नॉट काइल मेयर्स इन दिस गेम। वैसे यही सोच के हम काफी मैचेस से ड्रॉप करते आ रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट जयपुर वाली गेम में भी किया था, और वो तो ऑनेस्टली बहुत ही डिफिकल्ट विकेट था, लेकिन इतना सेंसिबली खेल रहे थे अश्विन को डिफेंड कर करके सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे जा रहे थे, विच इज वेरी अनलाइक ऑफ काइल मेयर्स, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बैट घुमाना होता है, लेकिन अभी काफी सेंसिबली खेल रहे हैं। अभी तो... अभी वो हो गया ना, अभी केएल राहुल ने भी बोल दिया ना कि इट्स वेरी हार्ड कि क्विंटन बाहर बैठे, तो शायद ऐसा लग रहा होगा कि कप्तान उसके लिए बैड फील कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली खेल के थोड़े नहाने दीजिए। फिर केएल ने शायद बोल भी दिया होगा ना, स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, क्यों परेशान हो रहा है, रन्स बना रहा हूं मस्त। ऑरेंज कैप
रेड कैप पे चलते आशीष भाई, प्ले टू वाइड। प्लेयर टू वाइड के अंदर इस मैच में मैं केएल राहुल को रखूंगा। रीजन यह कि सामने आपको खान साहब देखेंगे। बहुत बार मैचेस के अंदर देखने को मिला है कि जो केएल राहुल है गूगलीज को पिक नहीं कर पाते, उनकी बहुत फास्ट आर्म स्पीड है, तो उस वजह से उन पर रिस्क रहेगा केएल राहुल पे। शामी की भी नई गेंद रहेगी वहां पे, तो थ्रेट की लिस्ट के अंदर टॉप पे लग रहे हैं इस मैच में केएल राहुल। क्या बात है, मतलब टीम में तो ले लेना भाई, स्मॉल लीग्स में नहीं तो टीम में तो रखूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करूंगा, जनता करके आएगी कैप्टन। मैं भी शायद राशिद खान, हार्दिक पांड्या या फिर गिल के साथ जाऊं, चाहे केएल राहुल के साथ ना जाऊं, या फिर मार्क वुड। ऑफकोर्स मार्क वुड उस ऑर्डर में उससे ऊपर होंगे, क्योंकि अगर खेलते हैं तो इजी दो विकेट आपको हर मैच में दे देते हैं। और हम बहुत बार बात कर चुके हैं सिंस 2022 ओवरऑल T20s में बेस्ट स्ट्राइक रेट है उनकी, और बहुत एकदम फ्री के विकेट लेके जाते हैं आपको, ले जाओ। अब तो डेथ में बोलिंग कर रहे थे। तो ये हो गए हमारे कैप्टनसी ऑप्शन, अब सब कुछ बात कर ली है किसको पिक करना है किसको नहीं, तो फिर टीम बना लेते हैं। और जतिन भाई, आपको पता है विजन 11 के पास दुनिया भर का पैसा है, बहुत पैसा है इनके पास। तो विकेट कीपर सेक्शन में पूरन वर्सेस साहा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को तो खुद लखनऊ नहीं खिला रही है, और अगर आप कोच होते तो क्या आप क्विंटन डिकॉक को बाहर बिठाते? जतिन भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसा मैच खेल गया यार, या टीम कम्स फर्स्ट, मतलब क्विंटन का सीजन बहुत अच्छा था, लेकिन किसी ने आके पहले दो तीन मैचेस ऐसे खेले, सो इट्स नॉट की पनिशमेंट है क्विंटन तुम नहीं आए, तब खेल रहा था यार वो इंडिया में अपनी कंट्री के लिए खेल रहा था तो। बट या कोई और ऑप्शन है नहीं, कहीं और फिट हो नहीं रहे, सो अंटिल माय मेयर्स दो मैचेस एटलीस्ट फेल नहीं, विकेट स्लो हो जाएंगी तो मे बी शायद क्विंटन थोड़ी परसेंटेज चॉइस, लेकिन अभी तो नहीं। फिलहाल अभी आपकी टीम में कौन? पूरन वर्सेस साहा, स्टार्ट करते हैं आशीष भाई आपसे। यहाँ पे साको ही बैक करूंगा, टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, पिच का कोई भरोसा नहीं है, नीचे आके कितना बॉल घूमने लग जाए। और पूरन जिस सीजन में तो अच्छा खेला, पर साको ही बैक करूंगा वैसे घूमते ही बॉल पे पूरन बैट पूरा घुमाते हैं और मोस्टली पार पहुंचा देते हैं। अगर सर आपकी टीम में पूरन वर्सेस साहा, अगर वुड नहीं खेल रहा तो साहा, अगर वुड खेल रहा है तो पूरन। बढ़िया, ठीक है, फिलहाल के लिए आप किसको पिक करूंगा? मान लेते हैं वुड खेल रहा है, क्योंकि मैंने वुड को बाद में पिक किया। ठीक है, साहा ले लेता है, वुड खेल रहा है। नहीं, वुड खेल रहा है तो भाई, वुड खेल रहा तो पूरन। हाँ, वुड खेल रहा तो पूरन, तो अभी के लिए चलो पूरन के साथ चलते हैं। बैटिंग सेक्शन में केएल राहुल सबकी टीम में? यस, राहुल गेल को रख दिए उसकी कप्तानी की चॉइस में है कुछ भी नहीं, वो फिर भी सोच रहे हैं ना काफी की रख लो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है डेविड मिलर, साई सुदर्शन, दो बैटर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, और तीसरे हैं दीपक हुडा। अगर आपको इसमें से एक पिक करने हुए या फिर दो, तो कौन से और कब? स्टार्ट करते हैं जितने भाई। डेविड मिलर, साई सुदर्शन चेज में मिलर बैटिंग फर्स्ट में साई सुदर्शन। ठीक है, और अगर आपको पता करना है कि हम फाइनली किसको लेने वाले हैं, किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन, टेलीग्राम पे जरूर आ जाना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और व्यू स्पोर्ट की ऐप भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे 15 मिनट पहले आपको एल्गो बेस्ड टीम भी मिल जाएगी और हमारी खुद की टीम भी मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम, तो सब ज्वाइन कर लेना। और सेक्शन में चलते हैं हार्दिक पांड्या, इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, क्या तीनों आपकी टीम में? काली मिट्टी की पिच पे तीनों आ जाएंगे, लाल मिट्टी के पिच पे हो सकता है कृणाल को छोड़ना पड़े, हो सकता है। कृणाल ने पिछले मैच में कोई भी डाला फॉर व्हाटएवर रीजन, यहाँ तभी हमने स्टार्ट ही जो प्रीव्यू किया था वही सीधी किया था कि काली की लाल, लाल की काली, क्योंकि पूरे प्रीव्यू हम यही करते रहेंगे। जतिन भाई आपके लिए सेम ऑलराउंडर्स? एब्सोल्युटली द सेम, वही कहा था ना काली मिट्टी की विकेट है तो कृणाल पांड्या फ्रंट रनर, अच्छी डिफरेंशियल चॉइस। पर हार्दिक पांड्या का नाम लेती ना जतिन भाई, एकदम प्रॉपर वो हार्दिक पांड्या मोड में चले गए थे ऐसे फुल एकदम करेक्ट। आशीष भाई ऑलराउंडर्स? सेम जो आकाश सर ने कहा कि ब्लैक मिट्टी की पिच होती है तो कॉर्नर बॉलिंग करने आएगा, स्लो टर्निंग विकेट होता है तो वहां पे लिया जा सकता है। इन्होंने भी बिल्कुल वो फैंटेसी टीम पर लिया जा सकता है, मेरी टीम में शायद ना मिले लेकिन आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लो, फिर जैसे ही प्लेयर चलेगा, देखा मैंने कहा था मैंने। फिर बोलिंग सेक्शन में चलते हैं, मार्क वुड, राशिद खान, रवि बिश्नोई, तीन ले लिए, और बताइए मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी के मैचअप अगेंस्ट इस बैटिंग अटैक काफी अच्छे हैं,
विकेट कैसा भी हो ये तो विकेट लेके जाएंगे, चाहे वो एक हो या दो, तो एक विकेट यूजली आपको दे देंगे। अब आपके पास फाइनल बॉलर के लिए अगर आप जाना चाहें, चार बॉलर आप ऑलरेडी ले चुके हैं और ब्लैक बॉल विकेट और हो सकता है पांच के साथ भी जाना चाहें, आपके पास ऑप्शन है आवेश खान, अल्जारी जोसेफ, अमित मिश्रा जिनके भी नंबर्स डिसेंट है इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, बैटिंग अटैक, और आपके पास है मोहित शर्मा, इनमें से किसको पिक करना चाहेंगे आप? आशीष भाई, आवेश खान की तरफ मैं आवेश को पिक करूंगा, ना आप कहोगे भाई बस बताए रहो या पिक भी करोगे, मैं आवेश को यहाँ पे लेके जाऊंगा। अगर सर आवेश खान लास्ट चॉइस या फिर बॉलिंग सेकंड में? बॉलिंग सेकंड में, बॉलिंग फर्स्ट में तो आई मीन बॉलिंग सेकंड में आवेश खान इज अ वेरी डिसेंट चॉइस, पर ये ऑल डिपेंड करेगा कृणाल को आपने रखा है नहीं रखा है, क्योंकि अगर कृणाल रखा हुआ है तो फिर तो आप चार ही बॉलर ले पाओगे ना, फिर आप पांचवा बॉलर पिक ही नहीं कर पाओगे, सो फिर वहां पे शायद आवेश को आपको वैसे भी छोड़ना पड़े, मन आपका करेगा अल्जारी जोसेफ को रखने का भी, क्योंकि बार बार नहीं जाएगा विकेटलेस, वो भी विकेट पक्का लेता है, और सामने ये लखनऊ की बैटिंग भी कोई ऐसी रॉकेट बैटिंग तो नहीं है भाई, विकेट तो ये भी ठीक ठाक, कभी आयुष बदोनी ऊपर आएगा, बीच में दीपक पुटा भी आएंगे, हम कह रहे हैं काइल मायर्स आउट भी हो जाएंगे, जब सब आउट ही होने वाले हैं तो कोई तो विकेट भी लेगा, तो उसमें अल्जारी जोसेफ के खाते में दो विकेट जा सकती है, सो ये टफ चॉइस होने वाली है, जब आप टॉस देखेंगे पिच देखेंगे तो फिर आई थिंक दैट इज द चॉइस यू हैव टू मेक, बाकी मेकअप ऑफ योर टीम तो ये प्रीटी मच सर्टन है, इनमें से किसी को भी आप छोड़ना नहीं चाहोगे। लेकिन जतिन भाई सर्टन है कि वो एक यंगस्टर को पिक करने वाले हैं, लेग स्पिनर अमित मिश्रा। जतिन भाई क्या सोच रहा था पहले, बट वो अगर काली मिट्टी की विकेट है, कृणाल अपने पूरे चारों ओवर डालेगा, बिश्नोई भी पूरे चारों ओवर डालेगा, वुड भी खेल रहा है, स्टॉइनिस भी अप कर रहा है, सो आई एम नॉट एंटायरली श्योर, लेकिन अगर लाल मिट्टी भी होती है और उनका चलता है, आई थिंक अंडर द रेडार मोहित शर्मा अगर पूरे ओवर करा लेती है गुजरात इज नॉट अ बैड ऑप्शन, चेंज अप्स डालेंगे, बॉलें जाएंगी ऊपर, 102 विकेट मोहित शर्मा, स्मार्ट बॉलर अगर है, और करते हैं यार मैचअप तो करे हैं, मतलब मैचअप नहीं होता फायदा क्या है फिर, एक का प्लेयर टू अवॉइड, दूसरे का तुरुप का एक का, हू नोस, मोहित शर्मा। और जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या करे, बंद कर दे वीडियो, क्या वाला है। हमारा विजन फिलहाल अभी जो है वो है कि जितनी भी हमारी जनता है सबको जर्सी या अमेजोन वाउचर पहुंचा दे, तो हम बहुत बड़ी धनराशि है जो दे रहे हैं, और वो है पूरे 500 रुपए का अमेजोन वाउचर, तो उसका गिव अवे है, और अगर आप जीत जाते हैं तो उसकी एफडी जरूर करा देना, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जरूर काम आएगी। जतिन भाई यू हैव अ क्वेश्चन, डेविड मिलर और मार्कस स्टॉइनिस हु विल हैव अ बेटर डे? ठीक है, तो आपको प्लेयर का नाम लेना है और उसके बाद उनके रन्स का लिखने, क्योंकि डेविड मिलर तो बॉलिंग करते हुए दिखेंगे नहीं, तो सिर्फ रन्स यूज करते हैं, बैटिंग 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 ओके बैटिंग दैट्स इट बैट्स ओनली बैटिंग, तो दोनों प्लेयर्स में से पहले प्लेयर का नाम और फिर उसके बाद में उनका स्कोर, और इस मैच इसमें ऑफ कोर्स क्योंकि ये बहुत सारे करेक्ट आंसर्स होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जीत गए आपने करेक्ट कर दिया तो आप ही विनर होंगे, क्योंकि जो फास्टेस्ट होगा मल्टीपल करेक्ट आंसर्स में उसे ही हम विजेता घोषित करेंगे, तो जितिन भाई आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप ये क्वेश्चन है। डेविड मिलर 41 ऑफ 26 बॉल्स, बंदे कॉन्फिडेंस देख, डेविड मिलर की 41 रन बना दिए, टीम में सेलेक्ट नहीं किया, साइज दर्शन कर लिया है रहते सबरू यार सारे तो डेविड मिलर 27 रन, अब देखो बॉल भी बता दो फिर साथ में, हां बॉल 24 24 बॉल्स 24 में 27 फंसा दिया इसने मिलर को, देखा इसलिए नहीं लिया था मैंने। ओके मिलर स्टॉइनिस दोनों ने रन नहीं बनाने इस मैच में वैसे तो, पर 17 रन मार्कस स्टॉइनिस, एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अपनी सिलेक्शन, क्योंकि स्टॉइनिस को हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए। अच्छा तो मैं चले जाता हूं फिर डेविड मिलर के साथ, और डेविड मिलर के 27 ऑफ 24 डिलीवरीज, ये था हमारा टाइम पास, क्योंकि गिव अवे सिर्फ आप ही जीत सकते हैं, हमें से कोई नहीं जीतेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें, पेमेंट ही टाइम पे नहीं आ रही हमारी, कहाँ से मिलेगा गिव अवे, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस व्यूज पढ़ने रखी मैंने रखी भाई वो कर लेना, और इसके अलावा आप कमेंट कर दीजिए आपको क्या लगता है स्टॉइनिस वर्सेस मिलर ज्यादा रन किसके होंगे, उनका नाम और फिर उनके रन, तो अगर आप हुए फास्टेस्ट मल्टीपल करेक्ट आंसर में तो आप जीत जाएंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं हुआ तो क्लोज जीत जाएगा, और क्योंकि ये डे गेम है तो जो हमारा लाइव है वो होगा 2:45, तो प्रति भाई आएंगे आपको बताएंगे, क्योंकि प्रति भाई अभी है नहीं, उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं बची है, तो प्रतीक भाई आपको बताएंगे कि किसको आप पिक कर सकते हैं, क्या चेंजेस है, कौन सी सॉइल है, कौन सी सॉइल पे मैच हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या मैचेस में बदलाव होगा, कोई नया प्लेयर आता है तो क्या वेन्यू नंबर्स होंगे नए प्लेयर के, सब कुछ आपको बता देंगे, तो 2:45 शार्प यहाँ पे वापस आ जाना ऑन व्यू स्पॉट, और 15 मिनट पहले हम जो है लाइव क्लोज कर देंगे ताकि आप 15 मिनट
बाद जाके अपनी टीम खुद की एडिट कर पाए और अपनी टीम से खेल पाए तो जरूर आ जाना लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने समय व्यक्त किया प्रीव्यू देखने में और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच जितने आकाश सर और आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।